मैंने कल रात एक अजीब ख्वाब देखा है। मेरे सारे दांत एक एक करके टूटते जा रहे हैं। इसकी क्या ताबीर हो सकती है? बादशाह ने अपना ख्वाब वजीर को सुनाया। वजीर कुछ देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, हुजूर यूं मालूम पड़ता है कि आपके तमाम रिश्तेदार एक एक करके आपके सामने इंतकाल कर जाएंगे। बादशाह को ख्वाब की ताबीर बहुत नागवार गुजरी। गम भी बहुत हुआ। कई दिन तक बादशाह इस ख्वाब को लेकर परेशान रहा। एक दिन बादशाह के दरबार में कई अहले इल्म और दाना मौजूद थे। बादशाह ने उनके दरमियान फिर से अपना ख्वाब रखा और उसने चाहा कि कोई इसकी ताबीर बयान करे। सारे अहले इल्म इसकी ताबीर जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत ही न हुई कि वो इस ख्वाब की ताबीर को बयान करते। एक दाना दरवेश जो वहां मौजूद थे, उन्होंने बादशाह का गमजदा चेहरा पढ़ लिया। वो खड़े हुए और कहा, माशाल्लाह बादशाह सलामत, आपका ख्वाब बहुत ही मुबारक है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सारे दरबारी दरवेश का मुंह देखते रह गए। बादशाह भी सकते में था। दरवेश ने कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ख्वाब की ताबीर बयान करूं। बादशाह ने इजाजत दी। दरवेश ने कहा, बादशाह सलामत, आपके खानदान में अल्लाह पाक ने सबसे लंबी और बरकत वाली उम्र आपको अता फरमाई है और यही इस ख्वाब की ताबीर है। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने दरवेश की ताबीर को खूब सराहा और बहुत इनाम व इकराम से नवाजा। उसके बाद बादशाह सबकी तरफ मुखातिब होकर कहने लगा, मैं जानता हूं जो ताबीर वजीर ने बयान की, जो आप सबके जहन में है और जो इस बुजुर्ग दरवेश ने बयान फरमाई, सब एक ही है। ख्वाब की ताबीर के साथ साथ लफ्जों की ताबीर का फन भी जानना बहुत जरूरी है। इस दरवेश ने भी वही ताबीर दी जो वजीर मोहतरम ने दी थी, लेकिन दरवेश ने ख्वाब की ताबीर में जो लफ्जों की ताबीर इख्तियार की, ये असल जिंदगी है जो दिलों को हयात बख्शते हैं। काश दोस्तों लफ्जों की ताबीर का ये फन हम सबको आ जाए। घर जन्नत बन जाए, रिश्ते सवार हो जाए, इख्तलाफात ख़त्म हो जाए, मोहब्बतें परवान चढ़ें। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मौके देती है जब लफ्ज़ों का इंतखाब हमसे दरवेशी तलब करता है, लेकिन हम नादान वजीर की तरह नादानी में गैर मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब करके ऐसे कई कीमती दिल तोड़ देते हैं जो हमारे नज़दीक सारी दुनिया से बढ़कर कीमती होते हैं, जिनकी कीमत हमारे नज़दीक बादशाहों के खजानों से भी बहुत ज़्यादा कीमती होती है। अपने ज़िंदगी के उन लम्हात को याद कीजिए, उन गलतियों को याद कीजिए जब लफ्ज़ों की गलत ताबीर इख्तियार करके कभी हमने मासूम बच्चों के दिल तोड़े, तो कभी वालिदैन का शफक्कत भरा हुआ दिल, तो कभी खुद अपने दिलों की मलिका का दिल तार तार कर बैठे। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उस वक्त जब कोई हमारे ख्वाबों की ताबीर को लफ्ज़ों की गलत ताबीर से पुकारे, दिल से आह निकलती है, बहुत तकलीफ होती है ना? आइए कोशिश करते हैं, एक इरादा करते हैं, अब किसी ख्वाब की ताबीर को अपने लफ्ज़ों की ताबीर से उजड़ने नहीं देंगे।